नमस्कार, मैं राबे और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर, देखते हैं खबरें विस्तार से। दो दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का यह पहला बंगाल दौरा है। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे राज्यपाल। राज्य सरकार की ओर से मंत्री फरहाद हाकिम, सुजीत बोस एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मौजूद थे। राष्ट्रपति हवाई अड्डे से सीधे अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत रेस कोर्स मैदान के लिए निकल पड़ी। जमीने लड़ाई करा राष्ट्रपति राष्ट्रपति हार पर प्रथम बार बंग सफर एलें आपनी तो गेलें स्वागत जानाते कम छो मुहूर्तगुल भलो छोना के स्वागत जाना और मुख्यमंत्री निजे हेलीपैडे रही रिसीव करार्जन अत्यंत आनंदित आज पाँचटार समय सिविक रिसेपन खूब ही आनंदित। राहुल गांधी के सांसद पद को रद्द करने के विरोध में कांग्रेसियों ने नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। कुछ बिहार में विरोध रैली व हासीपाल की चौपाटी पर प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कुछ बिहार सरकार की जन विरोध नीतियों और राहुल गांधी के सांसद पद को रद्द करने के विरोध में जिला अनुसूचित व जनजातीय विभाग ने जिला सेवा दल और जिला महिला कांग्रेस की ओर से आज कुछ बिहार में विरोध प्रदर्शन किया गया। সংসদে যখন নরেন্দ্র মোদীর একের পর এক জনবিরোধী নীতির পরিবাদে রাহুল গান্ধী বারবার যখন তাকে প্রশ্ন করছেন তখন নরেন্দ্র মোদী রাহুল গান্ধীর করা প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারছেন না। শুধু এখানেই থেমে নয়, যখন রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রায়। बिहार में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी के नेतृत्व में कालेबंग डंपर चौक पर किया गया पोस्टर, जहां इस बात का पता चला है कि भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए जिला अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। आज समूचा पहाड़ भरी भारतीय जनता पार्टी लाई समस्त जनता ले समर्थन र सहयोगिता दिदै आउँदैछ। आज बेसाब बेस्ती विघ्न भ्रष्टाचार छ, के आज 100 डेज अथवा मनरेगादेखि लिएर हरेक सरकारी परियोजनाहरूमा विकास भ्रष्टाचार थियो। आज हामीले हेर्दैछौँ यहाँ क्वेसन गरिँदैछ कि खोलाचंद फापरी निवासी प्रकाश छेत्री और शिला छेत्री की बेटी प्रिया छेत्री ने क्रिकेट विराट कोहली की मदद से बेंगलुरु में हुई 18 किलोमीटर मैराथन का पहला स्थान हासिल किया। आज हामी केएफसी को सम्पूर्ण परिवार अनि सुगना ग्राम महिला समिति काहरु पनि हामी यहाँनिर जमा भएका छौं र नानी प्रिया छेत्री जो हिजो बेंगलोरमा भएको 18 किलोमिटर म्याराथन रेसमा पहिलो स्थान हासिल गरेर आएको छ र नानीलाई यहाँनिर हामी स्वागत गर्नका निम्ति हामी सम्पूर्ण टिम यहाँनिर भेला भएका छौं र यो नानीले आज राष्ट्रिय स्तरबाट अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आफ्नो नाम र यो समाज अनि क्षेत्रको नाम। तृणमूल के कई भ्रष्टाचार का हवला देते हुए भाजपा ने महकमा शासक को सौंपा ज्ञापन। सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग जिला भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ने सत्तारूढ़ दल तृणमूल के कई भ्रष्टाचार के हवला देते हुए महकमा शासक को ज्ञापन सौंपा। सोमवार को भाजपा कार्यकर्ता महाशासक के कार्यालय में के सामने धरने पर बैठ गए। विधायक शंकर घोष, माटीगारा नक्सलबारी विधायक आनंदमय बर्मन और खोरीबारी के विधायक दुर्गा मुर्मू, भाजपा नेता और कई सदस्य पहले सरकार पर बैठ धरना पर बैठे प्रदर्शन किए, फिर माकमा शासक को ज्ञापन सौंपा। आठ दिन धरे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा छिलो, आज के उच्च माध्यमिक परीक्षा शेष होयेछे। सेजन्य गोटा राज्य जुड़े पश्चिमबंगे जे धरनेर दुर्नीतिगुलो चलछे, এই চাকরি চুরি, কয়লা চুরি, বালি চুরি আর তার প্রতিবাদে ভারতীয় জনতা পার্টি আজকের থেকে লাগাতার আন্দোলন শুরু করছে এবং এই আন্দোলন যতদিন না পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করাচ্ছে সেই আন্দোলন আমাদের চলবে। আজকেও 9 দফা দাবিতে আমরা এখানটাতে আর মহকুমা শাসকের মাধ্যমে জেলা শাসককে এই দাবিগুলো সম্পর্কে অবহিত করে দ্রুত যে সমস্ত আর তৃণমূলের নেতা নেত্রী তারা সব এই সমস্ত ক্ষেত্রে অভিযুক্ত যারা দুর্নীতির সাথে যুক্ত তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে, উপযুক্ত শাস্তি তাদের দিতে হবে। আর এই সমস্ত দাবিগুলো নিয়েই আজকে আমাদের এই মূল বিক্ষোভ ছিল। মূলত যে দাবিগুলো সেগুলো রিহায়সি এলাকায় মোবাইল টাওয়ার লাগানো কো লেকার বিবাদ।
सिलीगुड़ी के अपर शांतिपारा इलाके में मोबाइल टावर लगाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध किया। आरोप है कि यह इलाका आबादी वाला है, अगर कोई मोबाइल टावर यहां बनता है तो दुर्घटना हो सकती है। यह रेडिएशन का कारण आम लोगों की कई तरह की शारीरिक समस्याएं भी हो सकती है, जिसके कारण वे इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के कारण काम रुक गया था, लेकिन हालांकि आज से फिर काम शुरू हुआ। काम शुरू होते के साथ ही विरोध फिर से शुरू हुआ। घटना की सूचना पाकर न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों पर नियंत्रण पाया। बहुत आंदोलन करती थी डीएम थी वीडियो थी थाना थी प्रधान थी पंचायत थी टोटल लोक के जाना होते टोटल रिसीव आसे आज के वीडियो तो डाक से आज के जावा तर सत्ते आज के बाद क्षेत्र शुरू हो আমরা যত সময় আমাদের কাছে কোনো কাগজের কোনো ইস্যু না আসবে তার সত্ত্বেও কাজটা কেন চালু হলো, আমাদেরকে থানার থেকেও বলছে ভিডিও থেকেও বলছে ইনকোয়ারি আসবে তারপরে কাজ চালু হবে, তার সত্ত্বেও কাজটা কেন আজকে চালু হলো। তারপর আরেকটা কথা, আমাদের ঘনবসতি এলাকা এত বড়ো চারতলা একটা বিল্ডিং, তার উপরে আবার 400 ফুটের একটা টাওয়ার, তারপরে যদি একটা বাইচান্স যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় আশেপাশে ঘনবসতি, এই অ্যাক্সিডেন্টের জরিমানাটা কে নেবে। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 43 के भानुनगर क्षेत्र में जर्जर सड़क के खिलाफ प्रतिरोध। सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर कई बार आंदोलन के बावजूद समाधान नहीं किया गया। आखिरकार क्षेत्रवासियों ने सड़क जाम कर सोमवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पिछले 7 वर्षों से सड़क की हालत खराब है। मतदान से पहले सड़क की मरम्मत का आश्वासन दिया गया था, अब तक कोई भी काम नहीं हुआ है। इस वजह से स्थानीय निवासी जमकर विरोध जताया। कुछ दिन पहले मेयर गौतम देव ने सड़क के निर्माण के लिए उत्तर बंगाल विकास मंत्री से बात की थी। उन्होंने बताया कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री विभाग जल्द ही सड़क की मरम्मत के काम शुरू करेंगे। बताया जा रहा है कि जल्द ही इसका काम शुरू हो जाएगा। রাস্তাটা দীর্ঘদিন ধরে এরকম খারাপ হয়ে আছে, রাস্তাটার মধ্যে একটু না দেখে মানুষ না কেউ কিছু করে, রাস্তার এত খারাপ অবস্থা, কোনো গাড়ি ঠিকঠাক মতন যেতে পারে না, আমাদের খুবই অসুবিধা হয়। যেন এই রাস্তাটা ঠিক হয়ে যায় তার জন্য আজকে এই পথ অবরোধ। আমরা চাই এই রাস্তাটা যেন খুব শীঘ্রই ঠিক করে দেওয়া হয়। এখানকার কাউন্সিলর যিনি রয়েছে তার সাথে কোনো রকম কোনো কথা বলা হয়েছে? আমরা অনেক যোগাযোগ কল করেছি, এখনও পর্যন্ত কোনো ঘর পাইনি সেটার, যার জন্য আজকে এই অবস্থা। আমরা চাই যে তিনি যেন এই কাজটা করে দেয়, আমাদের যেন এখানকার মানুষজনের একটু সুবিধা হয়। কি নাম আপনার? সময় হয়ে চলা হ্যাঁ ছোটে সে ব্রেক কা লেতে হ্যাঁ ছোটা সা ব্রেক। Damro, internationally trusted furniture. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर दुकान मकान गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 6297588103। नागालैंड स्टेट डीएर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी। पहलो पुरस्कार 1,25,00,000 गारंटीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 2,000 रुपया। पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भागा टिकट हर बाटा। अर्जेंटली रिक्वायर्ड 100 मेल पीएसबीडी सिक्योरिटी गार्ड फॉर यूनाइटेड सिक्योरिटी ग्रुप दुबई। सैलरी 65,000 INR। एलिजिबिलिटी हाइट 5 feet 7 inches। एज 21 to 36 years। क्वालिफिकेशन 12 pass। Good in communication skill with computer knowledge. Fresher can apply. Free accommodation, medical and transport. Interview on the 28th of March 2023, Tuesday at Hotel Royal Sarovar, 3rd Mile, Sevok Road, Siliguri. Contact for more details. Future Vision Consultancy, Iskan Road, Siliguri. Phone 9800-866-855. 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कम्फर्ट टू बी हैप्पी। फॉर रेडी एंड कस्टमाइज्ड फर्नीचर विजिट सिलेक्शन फर्नीचर, फर्स्ट फ्लोर, मेट्रो हाइट्स, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9832011336। केवल 6 रुपया सच्ची किन्न होस 1.5 साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपया अनि जित्नु होस पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम।
फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें, SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हैवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबेल्स, क्रेबट्री, लेग्रेंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्यक्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी, एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। एसके ऑडियो भिजन ले एसके लाइफ न्यूज को साथ में प्रस्तुत गरेको अनि डियर नट्री ले प्रायोजन गरेको नेपाली रियलिटी शो हिमालयन आइडल सीजन 2 को पहिलो एपिसोड 26 जनवरी में 7:30 बजे 30 मिनट को प्रीमियर को साथ शुरू होने 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन, बिहीबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। नगर निगम बोर्ड मीटिंग में सड़क समस्या पर चर्चा हुई। सिलीगुड़ी नगर निगम बोर्ड मीटिंग में सोमवार दोपहर 1 बजे नगर निगम के प्रधान कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक में विपक्ष सिलीगुड़ी शहर के यातायात समस्याओं को लेकर एक प्रस्ताव लाया। इसके जवाब में मेयर गौतम देव ने कहा कि ट्रैफिक जाम की समस्या निपटने के लिए धीरे धीरे उपाय किए जा रहे हैं। यहाँ साथ स्थित पुरानी सरकार द्वारा आयोजित ढंग से शहर का निर्माण किए जाने का परिणाम है। ट्रैफिक से निपटने के लिए जगह जगह पुल बनाए जा रहे हैं, पार्किंग बनाए जा रहे हैं और समय समय पर मुद्दों पर सुलझाने के लिए बातचीत हो रही है। ओवरटेक करते हुए यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त, उच्च माध्यमिक परीक्षार्थी समेत कई घायल। सिलीगुड़ी 2 यात्री बसे के बीच रेस में एक बस नियंत्रण खोकर पलट गई। यह घटना फांसीदेवा के घोसपुकुर के मदरी होट प्लाजा के सामने हुई। ज्ञात हुआ है कि 2 बसें विधाननगर से सिलीगुड़ी आ रही थी, बीच रास्ते में दोनों बसों के बीच रेस शुरू हो गई। एक बस दूसरी बस से ओवरटेक करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुई, एक बस पलट गई। इस घटना में हाई सेकेंडरी परीक्षा के 2 छात्री घायल हो गए। घटना में उच्च माध्यमिक परीक्षार्थी के अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना मिलने के बाद घोसपुकर चौक की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को रेस्क्यू कर प्राथमिक स्वास्थ्य इलाज के लिए विधाननगर ले जाया गया। पुलिस पूरे घटना की जांच में जुटी है। হঠাৎ আমার কাছে খবর আসে, এরকম একটা স্টুডেন্ট ভর্তি, যারা HS দিচ্ছে তারা অনেক স্টুডেন্ট রয়েছে, একটা বাস পাল্টে খায়। তো আমি দ্রুত খবর পেয়ে দ্রুত চলে আসি এখানে এবং এসে অ্যাম্বুলেন্স এবং বিভিন্ন রকমের গাড়ি করে স্টুডেন্টগুলোকে হসপিটাল ইস করা হয়, হসপিটাল পাঠানো হয়। তো আমি চাইব যে তারা যেন দ্রুত সুস্থ হয় এবং তাদের মঙ্গল কামনা করি। এবং এই যে এইভাবে একটি সময় জাতীয় সড়কে দ্রুত গতিতে ওভারটেক করছে, সেই বিষয়ে কি আপনারা কাউকে জানাবেন? হ্যাঁ, এটা পুলিশ আমাদের থানার পুলিশ মহল এখানে পৌঁছেছে এবং এই বিষয়ে তারা যাচিয়ে খতিয়ে দেখছে যেন কি কারণে অ্যাক্সিডেন্টটা হলো, ওভারটেক করতে গিয়ে না রাস্তা খারাপের কারণে, এটা দেখছে তারা। স্কুল অধিকারীয় পর শুভসাথী যোজনা মে ছাত্র সে পয়সা লেনে কা আরোপ। साइकिल के प्रति 50 रुपए की जा रही है मांग। उत्तर दिनाजपुर में शिक्षा नियुक्त घोटाले में करोड़ों रुपए के हेराफेरी पैसे लेकर शिक्षा की नियुक्ति कराने वाले राज्य में पहले उथल पुथल मची। इसके बाद आवास योजना में घर दिलाने के नाम पर नेताओं ने पंचायत के लिए पैसे लेने का आरोप सामने आया। अब कुछ समय से स्कूल में शुभसाथी के तहत साइकिल देने के लिए छात्रों से पैसा लेने के आरोप सामने भी आए हैं। शुभसाथी प्रोजेक्ट के स्कूल के खिलाफ एक साइकिल लेने के लिए प्रति 50 रुपए वसूलने की सनसनीखेज शिकायत की गई है। उल्लेखनीय है कि 50-50 रुपए देकर बड़ी संख्या में छात्र पहले से ही साइकिल ले चुके हैं। अभिभावकों की शिकायत है कि साइकिल लेने के लिए स्कूल को 50 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसके अलावा इलाके में गरीब लोग रहते हैं, इनमें से ज्यादातर मजदूर है।
काम करते हैं, इस मामले में दावा करते हैं कि पैसे देने में कई लोगों को काफी मुश्किलें भी आ रही हैं। मैनेजिंग कमिटी संगे सुनुन साइकिल जो एस साइकिल मुहूर्त नीते चेलम ना तर कारण हे हायर सेकेंडरि परीक्षा चलते साइकिल डिस्ट्रिब्यूशन प्रब्लेम आज विडिओ अफिस के जानिएम विडिओ अफिस मैडम साइकिलगुलो निये नीन ना अपनी पर जदि परीक्षार पर इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए तेल आपनी क्योंकि साइकिलगुलो पाबना से ही समय एन भालम जो तेल साइकेलगुलो नहीं ना जो साइकेल दूदिगे ही समस्या हो गल साइकेल नीले समस्या साइकेल ना नीले समस्या साइकेल जो ना नहीं बाच्चारा आर साइकेल पाना तक क्योंकि आो एक बड़ प्रश्न सम्मुखीन हब जो हमारे साइकेल वीर स्वतंत्रता सेनासी बिरसा मुंडा की प्रतिमा तोड़ने के खिलाफ आदिवासी समुदाय ने जताया विरोध। जलपाईगुड़ी उप विधायक के वर्षा मुंडा की मूर्ति को तोड़ दिया, इसके खिलाफ आदिवासी समाज विद्रोह प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। बिरसा मुंडा की प्रतिमा को तोड़ने के लिए चलते डुआर्स के आदिवासी समुदाय काफी नाराजगी व उन लोगों ने एकजुट होकर इसके विरोध में आवाज उठाई। सड़कों पर लोग आकर जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने दोषियों और तत्कालीन गिरफ्तार की मांग की। सूचना मिलते ही मटेली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और करीब चार घंटे तक सड़क जाम करने के बाद प्रशासन को आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। आज 27 तारीख हम लोग को सुबह का एक न्यूज मिलता है कि हमारे भगवान जो हमारे देश के महान स्वतंत्र सेनानी थे, आज उनका जो प्रतिमा है उसको किसी असामाजिक तत्व द्वारा तोड़ दिया गया, उनको अपमान किया गया। और जब हम लोगों ने ये न्यूज सुना, हम लोगों ने जब देखा फोटो, तो हम लोग को बहुत दुख लगा, गुस्सा लगा। केंद्र परियोजनाओं के राज्य के नाम से प्रचार करने का आरोप। जिला शासन कार्यालय के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। जलपाईगुड़ी में केंद्र की योजनाओं को झूठे नाम से प्रचित करते हुए राज्य की सरकारी विभिन्न केंद्र परियोजनाओं के पैसे लूटा जा रहा है। शिकायत को लेकर भाजपा ने जलपाईगुड़ी धरना आंदोलन को शुरू कर दिया। आज जिला शासन कार्यालय के सामने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध मचा दी, तभी पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। इसके विरोध करते हुए भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं के सड़क पर प्रदर्शन किया। भाजपा जिला अध्यक्ष वापी गोस्वामी ने शिकायत करते हुए कहा कि हम बिना माइक्रोफोन के ही आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार केंद्रीय परियोजनाओं को झूठे नाम से प्रचार कर रही है, विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं के लिए पैसे लूटे जा रहा है। सरकारी कर्मचारी देर दिए बालू कोयला पाचार केंद्रीय प्रकल्प टाका लूट एसब अति सत्तर व्यवस्था ग्रहण करा और भूमि संस्कार दफ्तर जलपाईगुड़ी जिला सर्वोच्च आधिकारिक मदते जे भाव बालू पाचार हो नदीपथ बंद कर दे हे विभिन्न लोकर जमी सरकारी जमी विभिन्न लोक के पाए दे हे तरह बिुदे आज के अवस्थान विक्षोभ। 1 अप्रैल से गायन महोत्सव का आयोजन। कुछ बिहार में आवृत्ति नीर संगठन 31वें वर्षगांठ के अवसर पर 1 अप्रैल से कुछ बिहार के लेस डाउन हॉल में आवृत्ति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज कुछ बिहार प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में माध्यम से आवृत्ति नीर संस्था की ओर से जिला चक्रवर्ती के ने कहा कि उनका महोत्सव 1 अप्रैल से सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा। इस आयोजन के माध्यम से विभिन्न सामाजिक कार्यकाल को और 16 संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि शाम के मेधावी छात्र छात्रियों को पुरस्कृत किया जाएगा और ज्ञान उत्सव के अवसर पर आवृत्ति नीर संस्था के सदस्यों को काफी उत्साह में देखा गया। কিন্তু উৎসব হয়নি, উৎসব মানে তো মানুষের মানুষের মেলবন্ধন, মানুষের মানুষের মিলন। এখানে আমাদের আবৃত্তি উৎসব, আবৃত্তির মূল কথাটাই হচ্ছে যে আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রণাং বোধাদপি গরীয়সী, ভারতবর্ষ স্মৃতি এবং শ্রুতির দেশ। আবৃত্তির জন্মকাল ভারতবর্ষের বৈদিক শ্রুতির সময় থেকে, কারণ বেদে বলা হয়েছে যে শব্দ লব্ধ জ্ঞানই হচ্ছে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত, তাই ত্রুটিমুক্ত সমাজ গড়তে আমাদের এই আবৃত্তি উৎসব। ফিলহাল কে লিয়ে ইতনা হি, আব দিজিয়ে মুঝে ইজাজত, তমাম খবরে অপডেট কে লিয়ে বনে রহে ইসকে লাইভ পে, ধন্যবাদ।